तो सबसे पहली चीज है भरोसा, लेकिन लोगों के अंदर भरोसा नहीं होता। और एक चीज ध्यान रखें कि या तो भरोसा होता है या भरोसा नहीं होता, तीसरी कोई बात नहीं होती है। या तो आपको भरोसा होगा या फिर भरोसा नहीं होगा, या तो आप पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे, बीच का कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। अच्छा, बीच का अच्छा होता है खतरनाक होता है? पहुंच गए जहां पहुंचाना चाह रहा हूं मैं, या तो मर्द होता है या फिर औरत होता है, है ना। बीच का थोड़ा सा गड़बड़ होता है मामला, हाँ बीच का जो है थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब कई लोग पता क्या बोलते हैं कि सर परसों तक तो पॉजिटिव था लेकिन अभी नेगेटिव हो गया, परसों तक तो पॉजिटिव था और अभी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। भाई विश्वास तो एक बार आएगा ना। जैसे अभी इस रेस्टोरेंट में हम आए, इनसे हमने परसों बात की तो बहुत अच्छा इनकी बातचीत लगी हमें, उसके बाद हम आए बहुत अच्छी इनकी सर्विसेज है, जो इन्होंने बोला वो सर्विसेज इनकी अच्छी है और आगे भी सब कुछ हमें दिख रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो भरोसा हो गया नहीं हो गया? अब बाहर जाके मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि भाई अगर अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश है तो इस रेस्टोरेंट में आ जाओ, क्योंकि मैंने अपनी आंख से देख लिया है। तो या तो दोस्त भरोसा होगा या फिर नहीं होगा, ये बीच वाला जो गड़बड़ वाला मामला है ना वो छोड़ना पड़ेगा। तो आज के बाद अगर आप या तो पॉजिटिव हो जाइए या फिर नेगेटिव हो जाइए। एक बार नेगेटिव हो जाइए, पूरे हो जाइए, और वो पूरे नेगेटिव हो गए 50 सवाल पेपर पे लिखिए और मेरे पास आके बैठ जाओ कि सर मैं जब तक काम नहीं करूंगा जब तक इन सवालों के मुझे जवाब नहीं मिलेंगे, तो हम उन सवालों के जवाब देंगे आपको। और भरोसा आता कहां से है? देखो, मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया तो सबसे पहली चीज मैंने क्या देखी कि मैंने यूट्यूब पे मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते थे वेस्टिज को लेकर। मेरे कुछ पुराने मित्र जो अदर कंपनी में थे वो ऑलरेडी वेस्टिज को ज्वाइन किया हुआ था, और उनकी फेसबुक पे मैं अचीवमेंट देखता रहता था कि भाई किसी ने कोई गाड़ी ले ली, किसी ने कोई गाड़ी ले ली, लाखों रुपए के चेक उनके पहुंच गए हैं। बाई चांस फेसबुक से सिद्धार्थ सिंह जी से मुलाकात हुई, सिद्धार्थ सिंह जी का जब मैंने चेक देखा तो 38 लाख रुपए का चेक था उनका। उनके साथ जब बैठा तो उनकी सारी स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ देखी कि एक साधारण सा दिखने वाला इंसान 38 लाख रुपए महीना यहां पे कमा रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन खाली उनके चेक से मैं नहीं रुका, मैंने भरोसा बढ़ाने के लिए और दूसरी चीज क्या कि घर आया, घर पे आने के बाद बहुत सारी वीडियोस फिर मैंने देखी। फिर मैंने सिद्धार्थ जी को बोला कि मुझे ऑफिस देखना है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक हमें बोला कि भैया मुझे ऑफिस दिखा दो चल के, मुझे ऑफिस देखना है? है ही नहीं, 1-2% होंगे, 99% लोग है ही नहीं जिन्होंने हमें बोला सर मुझे ऑफिस देखना है, या कुछ अपने आप देखे आए, कुछ ऐसे विरले हैं जिन्होंने बोला नहीं लेकिन अपने आप देखे आ गए। ठीक है, उनके लिए तो क्लैप कर दो, वो तो एक अलग ही लोग होते हैं। तो कहने का जो मतलब है वो क्या है कि मैंने उनको बोला मुझे ऑफिस देखना है, तो वो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ ओखला के अंदर। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया, मैं जब उन्होंने एड्रेस दिया मैंने उनको ये नहीं बोला कि मुझे गाड़ी में बैठा के लेके जाओ। भैया प्यास किसको लग रही है? तो मैं कुएं के पास जाऊंगा, कुआं मेरे पास आएगा? वो आदमी 38 लाख रुपए महीना कमा रहा है और मैं उसको बोलूं मुझे गाड़ी में लेके जाओ, घर से लेके जाओ, घर छोड़ के जाओ, दिन में खाना भी खिलाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो कभी क्राउन नहीं बन सकते। तो मैंने उनको बोला कि मुझे जाना है, उन्होंने कहा ओखला आ जाओ मैं वहीं मिलूंगा। उन्होंने 10:30 बजे का टाइम दिया, 10:30 बजे में वहां पहुंचा, और सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या है, वो 10:15 बजे ही वहां पहुंच गए थे। 38 लाख रुपए महीना कमाने वाला 10:15 बजे वहां मेरे को बैठा हुआ मिला, और मैंने जब कॉल किया तुरंत ऑफिस से बाहर आए, मेरे से हैंडशेक किया, आओ सर ऑफिस दिखाता हूं। और 38 लाख रुपए महीना कमाने वाले हमारी कंपनी के टॉप अर्नर ने मुझे आधा घंटा ऑफिस के अंदर घुमाया और उसके बाद बोले कि मैं आपको अब गौतम बाली जी से मिलाता हूं। तो मैं तो बहुत खुशनसीब मान रहा था अपने आप को उस दिन। और जब गौतम बाली जी के साथ मिला और एक घंटा बैठा तो जो विश्वास यहां तक पहुंचा था वो टॉप पे पहुंच गया, क्योंकि एक घंटे में उन्होंने बताया कि उनका एक ही बात में सारी चीज खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्होंने वहां बैठ के बोला था। मैंने कहा सर आपका कंपनी चलाने का विजन क्या है, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, मेरा कंपनी चलाने का विजन यह है कि अगले 10 सालों के अंदर वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी हम वेस्टिज को बनाएंगे। बात खत्म, बात खत्म। वहां एक चीज समझ में आ गई थी कि यह इंसान वो है जिसके साथ हम काम कर सकते हैं, जिसका विजन ही इतना बड़ा है। आज तक जितने भी इंडियन नेटवर्क कंपनी के डायरेक्टर से मिला हूं तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि हमारा विजन है इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाना, और वो इंसान क्या बोल रहा है? तो बात खत्म हो जाती है ना, उसके आगे तो बात कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसके बाद तो मेरे सवाल निकले ही नहीं। वो कहते हैं ना पहली बॉल पर छक्का मार दिया, दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर आया पहली बॉल पर छक्का मार दिया, खत्म, अब उसके बाद क्या पूछोगे। तो विजन बहुत स्ट्रांग हुआ। उसके बाद फिर लाजपत नगर सेंटर गया, वहां से मैंने प्रोडक्ट परचेस किए, टूल्स लिए, वहां से काम करना शुरू किया। तो आज जो भरोसा देख रहे हैं ना वेस्टिज को लेके, वो ऐसे नहीं आया, टॉप अर्नर से मिले, इनकम देखी, फिर बहुत सारे लोगों की इनकम देखी, सक्सेस सेमिनार देखे, VIP मीटिंग देखी, और कुछ लोगों से मिले, तब जाके पता लगा कि भैया वेस्टिज को करना चाहिए, क्योंकि वेस्टिज में बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहले से कामयाब हो रहे हैं। तो अगर आप अपना भरोसा मजबूत करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ऑफिस विजिट करना है, जरूरी है। अगर आप क्राउन बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, कुआं चल के आपके पास नहीं आएगा, ध्यान रखें।
ठीक है। दूसरा वीआईपी अटेंड करें, सक्सेस सेमिनार एक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, महीने में एक सक्सेस सेमिनार देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सक्सेस सेमिनार वो डोज देगा आपको, जब आप नेगेटिव में होंगे या परेशान होंगे तो सक्सेस सेमिनार में जाने के बाद वो सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो पहली चीज आज के बाद क्या करना है अपने ऊपर, भरोसा, भरोसा जरूरी है। और भरोसा किसकी चीज पर और करना है, सबसे पहले कंपनी पे भरोसा, दूसरा अपलाइन पे भरोसा, तीसरा प्लान पे भरोसा, चौथा प्रोडक्ट पे भरोसा, और पांचवा अपने आप के ऊपर भरोसा, और छठा डाउनलाइन के ऊपर भी भरोसा। कौन डाउनलाइन कितना बड़ा काम कर जाए आपको और हमें नहीं मालूम, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमने ये उम्मीद की थी पहले दिन शक्ल देखने के बाद कि ये इंसान तो हमारे साथ जुड़ेगा भी नहीं, और आज वो बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, एक बार अपने लिए ताली बजा लो आप। परसों डॉक्टर कुमार गौरव जाके क्लिनिक के अंदर मैं गया था, तो वहाँ पे बैठ के मैं इनको एक ही बात बोल रहा था, मैं डॉक्टर साहब अपने दिल की बात बताऊँ आपको, मैं बोले क्या, मैंने मदन लाल जी जब पहली बार आपके क्लिनिक के अंदर लेके आए थे ना, कि एक डॉक्टर साहब हैं, मैं दांत वाइफ का ठीक कराने गया था, उनसे मैंने जरा सा नेटवर्किंग के बारे में बात की, और वो जो हैं इसको सुनना चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो आपको आज दिल की मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया था और आपका कैबिन बंद था और मैंने बाहर देखा, तो अंदर से एक ही आवाज़ आ रही थी, इंसान जुड़ने वाला नहीं है। अंदर से मेरी फीलिंग क्या आ रही थी, ये इंसान जुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि डॉक्टर है यार, डेंटिस्ट है, क्या इसको प्लान दिखाएंगे, पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, अंदर से ये थॉट सबके चलता है। लेकिन मदन जी जिद पे अड़े रहे, नहीं सुनाओ सुनाओ सुनाओ, मैं अंदर जाके बैठा, हमने डॉक्टर साहब को प्लान समझाया, आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, और ना केवल हमारे साथ हैं, पूरे हिंदुस्तान में यूट्यूब पे छाए हुए, एक बार डॉक्टर कुमार गौरव जाके ले जोड़ता पाली। तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना, या बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी, आज बहुत अच्छा सब लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज भरोसा अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, प्लान के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, डाउनलाइन के ऊपर, सबके ऊपर भरोसा करना जरूरी है। और इन सब के अंदर सबसे बड़ा भरोसा जो करना है वो अपने ऊपर करना है, क्योंकि आपको सबके ऊपर भरोसा है और अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं बना सकती। लेकिन सारी दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो ये मान लीजिए सारी दुनिया भी लग जाए ना, तो आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। दूसरी चीज अगर इस सिस्टम में आपको कामयाब होना है, और जितने लोग कामयाब हुए हैं, तो अपने विजन को हमें बहुत बड़ा करना है। किसको करना है, विजन को। जैसे गौतम बाली जी ने मुझे बोला, मेरा विजन जो है वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बनने का है, और उस दिन से लेकर आज तक वो एक ही बात बोलते हैं कि हमारा जो विजन है वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बनने का है। तो आपका विजन क्या है, इस सिस्टम को आपने ज्वाइन किया है, वेस्टीज को ज्वाइन किया, आपका विजन कितना बड़ा है, आप करना क्या चाहते हैं। अरे जो चीज़ नौकरी और बिजनेस से हमें मिल नहीं सकती, ये हम देख चुके हैं, हम मान चुके हैं, हमारे दादाजी ने नौकरी कर ली, हमारे पिताजी ने नौकरी कर ली, संघर्ष कर रहे हैं आज तक, वो पूरा बोझा उठा के हमारे ऊपर डाल दिया उन्होंने, और हम भी इतने सालों से पापड़ बेल ही रहे हैं, वो पापड़ बेलते बेलते हमें कितना आ रहा है हमें मालूम है, सबको मालूम है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका विजन क्या है, इस कंपनी में आप आए हो, क्या विजन है आपका, क्या चाहते हो आप। मर्सिडीज कैसे आ जाएगी, मर्सिडीज काम करके आएगी या काम ना करके आएगी, एक लाख से पांच लाख रुपए महीना काम करके आएगा या ना काम करके आएगा, सीधी सी बात है। तो विजन जो है आपको अपना बहुत बड़ा करना है, और विजन भी एक बार ध्यान रखें, एक बार जिसका विजन क्लियर हो जाता है ना, वो विजन दोबारा कभी चेंज नहीं होता है। अगर आपका विजन बार बार चेंज हो रहा है तो ये समझ लीजिए वो विजन नहीं है फिर। और फोकस होना चाहिए, विजन क्या होना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए अपने काम के ऊपर, जो भी काम हम कर रहे हैं उस काम के ऊपर फोकस होना चाहिए। आप सब जब बचपन में थे तो आपने देखा होगा धूप के अंदर हम लोग बैठ जाते थे, सभी लोग बैठ जाते थे धूप में, एक कागज लेते थे या पत्ता लेते थे या कपड़ा लेते थे और एक लेंस लेते थे, क्या करते थे हम, अच्छा उसको ऐसे अगर मैं रख दूंगा तो जल जाता था क्या, क्या करना पड़ता था, सूरज की तरफ उसको करके और ऐसे करके फोकस करना पड़ता था और ऐसे करके ऊपर उठाना पड़ता था, कितनी मेहनत करते थे देखो हम, ऐसे करके पूरा ऊपर उठाते 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 उठाते, और जितनी पतली बिंदी बन जाती थी उतना वो तेजी से जलता था, और अगर ये हाथ थोड़ा सा ऐसे हिल जाता था, ये कोई हिला देता था तो वो जो गर्माई थी वो एक मिनट में ठंडी हो जाती थी। तो यही आपके साथ हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, हम आपका फोकस बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे 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 करके कोई हिला देता आपको, वो जहां से आग लगनी थी कामयाबी की वो खत्म, फुस या खुद हिल जाते हो आप। अब मैं फोकस बनाऊं और कागज हिलता रहे फड़फड़ाता रहे, कुछ होगा, दोनों तरफ बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी इस हाथ में कागज में और इसका फोकस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद मुश्किल से 4 या 5 सेकंड मुश्किल से लगते थे और वो कागज धुनू करके जल जाता था। तो विजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और फोकस होके हमें लोगों को काम करना है, कर सकते हैं। तो पहली चीज भरोसा, दूसरी चीज विजन आज के बाद, और फोकस जो है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपका विजन नहीं है, आपका फोकस नहीं है ठीक तरीके से, तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हो। नाइट में परेशानी होगी, कहीं एक्सीडेंट कर दोगे, कुछ हो जाएगा। जीवन जो है, जीवन में अगर बड़ा काम अगर आपको करना है तो बगैर फोकस हुए वो बड़ा काम कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। तीसरी चीज, अब सब क्राउन बनना चाहते हैं तो क्राउन बनने के लिए कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? अभी मैं अगर सबसे पूछूं एक एक कर बात को खड़ा करके, एक दो घंटे लग जाएंगे, कि आपकी प्लानिंग क्या है भाई? क्राउन बनना चाहते हो, आपकी प्लानिंग क्या है? क्या प्लानिंग की आपने क्राउन बनने के लिए? ये बात सिंपल सी काफी है ये बताने के लिए आपको स्वयं, कि आप क्राउन बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। अच्छा, आज यहां आने की सबकी जबरदस्त प्लानिंग थी है कि 9 बजे धुआंधार डांस वांस सब चलेगा अभी, और हमने भी उल्लू बनाया कि आ जाओ वैसे तो आओगे नहीं, मुर्गे को पकड़ना होता तो पता कैसे करना पड़ता है, कभी देखा आपने? और कैसे दाना डालना पड़ता है जो आप सोच के आए हो हकीकत में मिलने वाला नहीं है। ताली बजा लो। हम भी तो गुरु हैं, ऐसी थोड़ी हमें मालूम था ऐसे नहीं आएंगे, इनको ऐसे बुलाओ। तो दाना कैसे डाला जाता है कभी देखा आपने? मुर्गे को पकड़ने के लिए दाना कैसे डालना पड़ता है? पीछे होता है जाल जिसमें मुर्गे को फंसाना होता है, और मुर्गे को पकड़ने के लिए मुर्गे के पीछे कितना भी एक्सपर्ट भागता रहे मुर्गा पकड़ नहीं सकते आप, तो मुर्गे को पकड़ने के लिए दाना डालना पड़ता है। तो दाना कैसे डालते हैं? मुर्गा ऐसे होता है, ऐसे करके डालते हैं आ, ठीक है, वो थोड़ा सा आगे आता है फिर पीछे होता है वो आ, फिर थोड़ा सा पीछे होता है आ, फिर थोड़ा सा पीछे होता है आ, और फिर पिंजरे के अंदर चला जाता है आ, फिर कहता है आ, और बाहर आके कहता है अब जा। आज अब सब लोगों को बुलाया ऐसे ही गया है, बात समझ में आ रही है? चलिए मजाक कर रहा हूं, जो बोला है वो होगा। ताली बजा लो एक बार। कहने का जो मतलब है देखो सीधी सी बात है, फोकस होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज समझ लीजिए कि हम लोग जो एजुकेशन अभी तक मैं आपको दे चुका हूं, और जितनी एजुकेशन आप सब लोग ले चुके हो, सब तो नहीं है उसके अंदर, कुछ तो नए चेहरे मैं देख रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम जिन लोगों को मैं टिप्स में गिन सकता हूं, सेलेक्टेड लोग हैं जो यहां बैठे हैं, 5-7 को छोड़ दूं, 5-7-10 को अगर छोड़ दूं तो बाकी सब लोगों को इतनी एजुकेशन आ चुकी है, मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर वेस्टीज के एक क्राउन को बैठा लो और आप में से कुछ लोग बैठ जाएं तो जो नॉलेज आपको है ना वो क्राउन को भी नहीं है। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको, उतनी नॉलेज आपको आ चुकी है। अब पता है क्या, नॉलेज जो है आपकी इनकम पे भारी हो रही है। अब वापस वहीं जाता हूं जहां से मैंने शुरू किया था। आज की डेट में मैं 2 साल के अंदर 6 महीने हमने काम नहीं किया, और अब काम तो हम कर ही नहीं रहे, अभी क्या काम कर रहे हैं मुझे बताओ आप? काम किसको बोलते हैं? काम बोलते हैं सुबह हम 9-6 बजे निकल जाएं घर से, और शाम को 11-12 बजे घर में घुसने की फुर्सत नहीं है, उसको बोलेंगे ना काम? एक मीटिंग शुरू, दूसरी मीटिंग शुरू, तीसरी मीटिंग शुरू, चौथी मीटिंग शुरू, यानी दिन में कम से कम 5-10-15-20 प्लान होने चाहिए, ये होता है ना काम? अरे भाई, अभी तो मेरे को कल वो अपने विजय जी हैं नेवी वाले, जानते हैं आप? Yes. तो अभी वो शिप पे हैं, है ना, वो 6 महीने बाद आते हैं, शिप पे हैं। तो कल रात को उन्होंने मेरे को फोन किया कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका 1,00,000 रुपए क्रॉस कर गया है सर, लेकिन आपने मेहनत बहुत जबरदस्त की, आपने काम बहुत जबरदस्त किया है। मैंने विजय जी, हकीकत में एक बात बताऊं, काम तो अभी शुरू भी नहीं किया है, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। इससे पहले जिस कंपनी में थे, है ना, जिससे पहले जिस कंपनी में थे, अशोक जी जानते हैं, ओमकार जी यहां बैठे हुए हैं, सुबेरे 7 बजे घर छोड़ देते थे और रात को 11-12 बजे तक घर जाने की फुर्सत नहीं होती थी, खाना खाने की फुर्सत नहीं होती थी, मीटिंग ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है, खाना खाने की फुर्सत नहीं होती थी, एक एक हफ्ते की मीटिंग पहले से लिखी होती थी, अभी तो कोई काम शुरू ही नहीं हुआ। और वाइफ कई बार कहती थी खाना क्यों नहीं खाते, अरे भाई टाइम ही नहीं मिलता, तो क्या करती थी कि चलो खाना पैक करके भेज देते हैं, और बाद में पता क्या होता था, खाना जो पैक है वो वापस आ जाता था। आप मानोगे, इतना जुनूनी तरीके से हम लोगों ने काम किया हुआ है। बाइक पे बाइक पंचर हो गई, गाड़ी पंचर हो गई, पेट्रोल नहीं है, तब भी धक्का लगा के हम लोग काम कर रहे हैं। तो इतने सालों का जो अनुभव था ना, वो सारा का सारा अनुभव एक सही कंपनी की तलाश कर रहा था, और वो सही कंपनी वेस्टीज के हमारे जीवन में आ गई। एक बार जोरदार ताली बजा दो, सारा अनुभव। तो आज अगर 1,00,000 रुपए महीने तक अगर मैं पहुंचा हूं, और बहुत सारे डायमंड, आप देख लो कितना चेक आ रहा है, तो वो पिछला अनुभव जो है वो काम आ रहा है, और मेरा जो सारा अनुभव है वो आपके काम आएगा। Yes. सीधी सी बात है, मैं कई बार बोल चुका हूं आपको। Yes. लेकिन उसको काम लो तो सही तरीके से। अब गाड़ी मिल गई, गाड़ी चलानी आपको आती नहीं है, तो खड़ी रहेगी धूल मिट्टी, तो मुझे तो यूज ही करना नहीं आ रहा आपको, कैसे यूज करना चाहिए?
उसी बात पे दोबारा आता हूँ कि सर यूज़ तो करेंगे लेकिन दिमाग हमारा लगेगा, तो फिर मेरी भी बैटरी डाउन हो गई समझ लो। फिर गाड़ी चलाने में जब स्टार्ट करेंगे तो पहला गियर कौन सा डलता है? आपको चलाऊंगा लेकिन चौथा डालूंगा सीधा मैं, तो क्या होगा? नहीं उठेगी ना। तो सबसे बड़ी जो चीज है, प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी एक प्लानिंग कीजिए कि आप कब तक डायरेक्टर जाना चाहते हैं। प्लानिंग पेपर पे होनी चाहिए, प्लानिंग बगैर उसके काम चलने वाला नहीं है। यहां अगर है तो नहीं चलेगा। कब डायरेक्टर जाना है, कब सिल्वर जाना है। अगर आप डायरेक्टर चले गए हैं तो प्लानिंग कुछ तो होगी ना। कंपनी का सिंपल सा एक प्लान है, 6 लाख खोलो, और जो गलती हमने की थी वो मैं बता रहा हूं, वो आप नहीं करना। शुरू में 6 लाख खोल दो, और धीरे धीरे भी अगर काम करते हो और 500-600 पीवी अगर हर लैग में आता है तो एक दिन डायरेक्टर बन जाओगे। और डायरेक्टर अगर बन जाओगे 6 लाख में, अगर 600 पीवी भी आ रहा है तो एक लैग अगर डायरेक्टर चली भी गई तो बाकी लैग से कितना आ रहा है? 6×5=30 चाहिए कितना आपको सिल्वर मेंटेन करने के लिए? 1800। फिर थोड़ा बहुत काम होगा, मान लीजिए 600 पहुंच गया 800 पे। दूसरी लैग में अगर कोई डायरेक्टर बन गया, आप क्या बन गए? गोल्ड। गोल्ड पे साइड कितना चाहिए और आ कितना रहा है? 8×4 कभी बिजनेस रुकेगा? लेकिन दिक्कत पता क्या, एक अपलाइन चला रहा उसी पे फोकस हो गया, बाकी सब पे फोकस हो गया, डायरेक्टर बन गए आप। अब डायरेक्ट या नीचे से किसी ने तेजी से काम कर दिया, अब डायरेक्टर बन गए, साइड मेंटेन नहीं हो रहा, सिल्वर बन नहीं रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पे? टेंशन होगी। तो वो काम हमें नहीं करना। आज से एक नई शुरुआत करनी है, और आज से अपना टारगेट घर जाके लिखना है कि अगले 3 महीने में मुझे कौन सी पिन पे पहुंचना है। क्लियर है? तो पहली चीज भरोसा, दूसरी चीज विजन, और तीसरी चीज क्या करनी है? प्लानिंग करनी है। और चौथी चीज जो है वो है कमिटमेंट। क्या चीज है? कमिटमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए कोर्ट द्वार से आए हमारे शैलेंद्र जी, एक बार जोरदार ताली बजा दो आप। सर कितनी दूर पड़ता है कोर्ट द्वार? 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर से 4 आदमी आए, चारों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। कैसे डायरेक्टर नहीं जाएंगे मुझे बताओ ना। इनका डेडिकेशन आप सब लोग बोलते हैं, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शैलेंद्र जी बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो कहने का जो मतलब है कि डेडिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप में डेडिकेशन नहीं है, आप भी मैं बता रहा हूं कि इतनी दूरी तय करके आए हैं हम सब। कितने आए होंगे? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। और अकेले नहीं आए, 4 आदमी को साथ लेके आए हैं। एक्सक्यूज था सर क्या करूंगा आके। और अभी मैंने सुना है आप सिद्धार्थ जी की ट्रेनिंग में भी जा रहे हैं, 3 दिन की सिद्धार्थ जी की ट्रेनिंग में भी जा रहे हैं, 3300 रुपये वहां भी देंगे, एक बार उसके लिए भी अलग से ताली बजा दो। कमिटमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वेस्टइंडीज में अगर आपको कामयाब होना है तो कमिटमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने अपने आपसे पहले बार कमिटमेंट किया था, और आप कई मीटिंग ट्रेनिंग में सुन चुके हो कि वेस्टइंडीज में अगर आपको कामयाब होना है तो 3 से 5 साल का आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। कितने साल का करना है? 3 से 5 साल का कमिटमेंट करना है। अच्छा, ये बात पता लग गई, 3 से 5 साल का कमिटमेंट करना है, तो बीच में एंटीना क्यों हिलता भाई? क्यों हिलता? मेरा तो नहीं हिलता एंटीना। अच्छा एक बात बताइए, आप सबका थोड़ा 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 एंटीना हिलता है, ठीक है? अच्छा, जिस दिन मेरा एंटीना हिल गया मैं तो रात को यह सोच के परेशान होता हूं कि सबका हिल जाता ठीक है, लेकिन जिस दिन अजय शर्मा का हिल गया क्या होगा टीम का? है? होना पता क्या चाहिए आपको, पता आज के बाद क्या सोचना है कि अजय शर्मा जी आपका एंटीना हिलता हो हिले, लेकिन हमारा एंटीना कभी जिंदगी में नहीं हिलेगा, अपने लिए काम कर रहे हो। आप अपने लिए काम कर रहे हो, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। अगर आपके शब्द ये हैं कि अगर आपका एंटीना हिल गया तो हमारा बिजनेस खत्म, तो इसका मतलब अभी कुछ सीखा नहीं है, इसका मतलब भरोसा नहीं है, इसका मतलब विजन नहीं है, इसका मतलब प्लानिंग नहीं है। किसी एक आदमी के छोड़ने से या किसी एक आदमी के करने से यहां पर आप करोड़पति नहीं बन सकते। भरोसा पता क्या होना चाहिए? सर आप छोड़ो, कल के छोड़ते आज छोड़ दो, लेकिन आपके छोड़ने के बावजूद भी मैं क्राउन बन के दिखाऊंगा, देख लेना आप। ये भरोसा होना चाहिए। है आपके पास? Yes. है? Yes. नहीं है? यस yes तो करने में क्या है, 3 ही तो शब्द है, यस yes. बोलने में 2 ही लगते हैं, यस yes. भरोसा पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। नहीं, आज लेके जाना है, आज इसीलिए बुलाया आप सब लोगों को। अजय शर्मा है या नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूं, अजय शर्मा है या नहीं है, ये तो चलो बिजनेस छोड़ने की बात है जो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवान ना करे कभी रोड एक्सीडेंट हो जाए, मैं दुनिया से ही चला जाऊं, क्या होगा आपका? हम तो वो माँ बाप बने हुए हैं, हम तो वो माँ बाप बने हुए हैं जो बच्चों के बारे में सोच ही रहे हैं, यार कल को हमें कुछ हो गया तो इनका क्या होगा? बात समझ में आ रही है? Yes. इसके लिए बहुत सीरियस होना पड़ेगा आपको। Yes. कि छोड़ने वाली बात एक अलग है, लेकिन सोच के देखो, कल्पना करके देखो, आप सब लोग मेरे ऊपर डिपेंड हो आज की डेट में, कल को भगवान ना करे मेरे को कुछ हो जाए, क्या करोगे भाई?
सबका जीरो बिजनेस। कारण क्या है? भरोसा नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, प्लानिंग नहीं है। और आपका तो बिजनेस खत्म खत्म। मैं जो अपने बच्चों की रॉयल्टी सोच रहा हूं, मेरे बच्चों की रॉयल्टी खत्म, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? सबको सीरियस होना पड़ेगा यहां पे, एक नहीं सबको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि हम जो लोग हैं ना, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे मोती की माला होती है ना, अगर एक माला में एक धागा टूटा, सारे मोती बिखर जाएंगे। हम सब लोग कनेक्टेड हैं। तो मेन जो चीज है कि विश्वास पता कैसा होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। मुझे ये विश्वास होना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे घर पे रॉयल्टी जाएगी। और आपको क्या विश्वास होना चाहिए कि सर रहे या ना रहे, मुझे तो काम करना है। और यही डाउनलाइन में ट्रांसफर होना चाहिए, यही मोटिवेशन डाउनलाइन में ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज भरोसा, दूसरी चीज विजन, तीसरी चीज प्लानिंग, और चौथी चीज क्या है? कमिटमेंट। 3 से 5 साल का कमिटमेंट वेस्टिज बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर आप चल नहीं सकते हैं, समझ लीजिए। और आज के बाद ये सोच लीजिए, इन 3 और 5 साल में बहुत सारी दिक्कत आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी परेशानी आएंगी। लोग मना करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग ताने मारेंगे। ये होता है, ये प्रोसेस है, क्योंकि हम एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहां पे हम कम से कम 1,00,000 रुपए महीना कमाने की बात कर रहे हैं, और मार्केट में लोग क्या कहते हैं? 15-20-30 हजार। अब 15-20-30 हजार वाले को अगर तुम बोलोगे 1,00,000 रुपए महीना आएगा, क्या पागल हो गया? तो पहला तो ठप्पा पागल का लगना है, जो लग चुका हम सब पे। हमें तो बोलते थे पागल जब मैंने वेस्टिज को शुरू किया, तो मेरे सब रिश्तेदारों ने बोला फिर से नई कंपनी। अच्छा खासा मोटिवेशन देते थे, 1 घंटा बोलने का 50,000 रुपए लेते थे। मेरी वाइफ ने बोला अब फिर से वही कंपनी शुरू कर दी, जीरो से शुरू। मुझे विश्वास हो गया था कि यह कंपनी एक्चुअल में, जिस कंपनी की मैं तलाश में था, वो कंपनी मुझे अब मिली है। और साबित हो गया, वो साबित हो गया। इससे पहले जो कंपनी की 50-60-70 हजार आया, लेकिन कभी कभार 1,00,000 रुपए आया, लेकिन यहां पे अब तो फिक्स हो गया ना कि अब तो हर महीने 1,00,000 आएगा। और ये 1,00,000 नहीं आएगा, अगले 2-3 महीने में 2-3-2.5 लाख रुपए तक भी ये पहुंचने वाला है बिजनेस। ये कमिटमेंट हो गया। अच्छा, शिवम गोस्वामी का इस महीने का चेक कितना है? 4.5 लाख का। अच्छा, पिछले साल जब आपने उसमें देखा था एनिवर्सरी में, कितना था? कितना लाख बढ़ गया? 1,99,000 था। 2 लाख। आज कितना हो गया? यार जब ये चीज आप देखते हो तो यहाँ बुद्धि में कुछ जाता है, नहीं जाता? एंटीना हिलता क्यों है? क्यों हिलता है? मैं तो उनको देख के मोटिवेट होता हूँ। और अब तो मैंने अपनी स्टेटमेंट दिखानी शुरू हो गई, मेरी स्टेटमेंट देख के मोटिवेट हो जाओ। मैं तो 1 साल के अंदर डायरेक्टर बना। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो 5-5-6-6 महीने में डायरेक्टर सिल्वर बन गए। ताली बजाओ अपने लिए, ये चल रहा आपका बिजनेस। और मेरी अपलाइन सिद्धार्थ जी से मिलने का मौका मिलेगा। कितने लोग जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कितने लोग बैठे हैं जो ट्रेनिंग में जा रहे हैं? एक बार इन सबके लिए ताली बजा दो। हम सब लोगों को सिद्धार्थ जी से मिलने का मौका मिलेगा। वहाँ पूछना, उनसे पूछना कि सिद्धार्थ सिंह जी, जब आपने अजय शर्मा जी को ज्वाइन कराया था, उसके बाद कितनी बार मिले आपसे? एक बार भी नहीं मिला। उन्होंने मेरे नीचे एक एंट्री नहीं डाली आज तक, उन्होंने मेरा एक प्लान नहीं दिया आज तक। गोविंद सिंह जी ने मेरे नीचे एक एंट्री नहीं डाली आज तक, गोविंद सिंह जी ने मेरा एक प्लान आज तक नहीं किया। हमारा सिल्वर आया ना, अपलाइन ने थैंक यू बोला ना, उससे ऊपर अपलाइन ने थैंक यू बोला। हमारा गोल्ड आया, हमारा किसी ने सेलिब्रेशन नहीं किया। हमारा स्टार आया, हमारा किसी ने सेलिब्रेशन नहीं करा। अभी आपके सामने डायमंड खड़े हैं, यहाँ भी किसी ने सेलिब्रेशन नहीं किया। मेरे को तो व्हाट्सएप पे जवाब नहीं आया थैंक यू का, नेगेटिव हो गया, हो जब। मुझे तो किसी ने विश नहीं किया, मेरा तो सेलिब्रेशन हुआ ही नहीं। उसको बुका दे दिया, मेरे को माला ही पहना दी। भाई यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं ना। पता पहले दिन से सोच क्या है? पहले दिन से सोच एक है। क्या सोच है? सेलिब्रेशन लेने वाला नहीं बनना, सेलिब्रेशन देने वाला बनना है। और एक बात ध्यान रखना, सम्मान कभी इंसान का नहीं होता, सम्मान हमेशा काम का होता है। सेलिब्रेशन तो इतने होंगे, अभी आप देखना, अभी रुक जाओ 1 साल और। आप 2019 के बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि आप किस टीम से जुड़े हो। 2019 के बाद बताऊंगा कि जीनियस टीम जो है पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से फैल रही है। अब हमें जीनियस टीम तो बन गई, ऊपर एजुकेशन भी जबरदस्त हो गई। अब जीनियस टीम को संभालने वाले लीडर तो चाहिए। एक आदमी से थोड़ी चलेगा। आप जीनियस टीम मतलब आपकी एक अलग टीम निकलने वाली है आने वाले वक्त के अंदर। आपके अलग अलग शहरों के अंदर सेमिनार होने वाले हैं। वो काबिलियत तो अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी ना। और वो काबिलियत कब होगी? जब इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओगे। इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओगे, पापा की उंगली पकड़ के चलना, चलने वाला जो बच्चा है, बच्चे भी को भी स्कूल लेके जाता है ना पापा, तो 1-2 महीने 3 महीने लेके जाता है, हमेशा नहीं लेके जाता है। तो पापा यानी कि अपलाइन की उंगली पकड़ना बंद करो,
और ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, जितना जल्दी आप अपलाइन की उंगली पकड़ के बाहर निकल जाओगे ना, प्लान धक्का धक देना शुरू कर दोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका क्राउन बहुत जल्दी आ जाएगा। किसी के भरोसे पे नहीं चलना है यहां पे। और फिर मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने छोड़ दिया तो खत्म, डूब गई ना, मामला खत्म ना। तो हमें सीखना है, जल्दी से जल्दी लीडर्स तैयार करना है। और आने वाले वक्त में आगे जब सेमिनार्स होंगे, आगे जब मीटिंग होंगे, तो उन्हीं लोगों को, उन्हीं लीडर्स को भेजा जाएगा उन सेमिनार्स में, उन्हीं लीडर्स को स्टेज पे मौका दिया जाएगा जो लोग वाकई लीडरशिप वाली क्वालिटी रखते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो वो चीज़ आपके हाथ में है। तो कमिटमेंट जो है 3 से 5 साल का आपका होना चाहिए। और